father was someone que yo lok sabha ke aam aadmi aur JJP ke samuhik pratyashi bhai Pradeep Deshwal ji JJP ke jila ke adhyaksh bhai Rakesh Thakur ji aur aam aadmi ke jila ke adhyaksh ji बेरी के जिला हल्का के अध्यक्ष भाई मास्टर राजीव जी भाई मामल ठेकेदार जी बादली के हल्का के अध्यक्ष और झज्जर के हल्का के अध्यक्ष बीजेपी के भाई भावी शर्मा जी पूर्व विधायक डॉक्टर विंद्र पाल जी युवा के जिला के प्रधान भाई उपेंद्र कादर जी पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता चौधरी भगवान सिंह सुहाग जी और आज झज्जर जिले की भाई प्रवीण प्रधान जी आदमी के विधानसभा के अध्यक्ष बादल के झज्जर जिले में आम आदमी और जेजेपी के ये समझौता होने के बाद पहली इस मीटिंग में मैं भाई प्रदीप देशवाल जी का झज्जर जिला में पहुंचने पर आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक प्रत्याशी जो भाई दुष्यंत चौटाला जी ने भाई नवीन जैन जी ने आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो एक प्रत्याशी हमारे को दिया। साथियों, मैं तो ये मान करके चलता हूं कि जो आज राजनीतिक परिस्थितियां उसके अनुसार भाई प्रदीप देशवाल से अच्छा कोई प्रत्याशी हो नहीं सकता। भाई प्रदीप देशवाल जी के बारे में आप सबको पता है, छात्र जीवन में राजनीति शुरू की। अगर पहले 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर रही, जो भी छात्रों के साथ जाती हुई, जो भी छात्रों के साथ अनदेखी हुई, भाई प्रदीप देशवाल जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया। साथियों, और मैं तो ये कहूंगा, अगर रोहतक के अंदर अगर किसी ने छात्र संगठन ने अगर भूपेंद्र हुड्डा की नाक पर नकेल डालने का काम किया, तो भाई प्रदीप देशवाल उसकी टीम में करने का काम किया। साथियों, मैं ये भी मानता हूं कि इनको समय समय पर काफी प्रताड़ना जो है सरकार की तरफ तक दी गई, और जो है पिछले दिनों आपने जिस प्रकार से पता है किस प्रकार से कांग्रेस के गुंडों ने और कुछ लोगों ने मिलकर के भाई प्रदीप देशवाल को जान से मारने का षड्यंत्र रचा, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं भाई प्रदीप देशवाल जी को। वो किसी के घराने से डरा नहीं, उन्होंने अपनी आवाज को ऐसे बुलंद रखकर आपकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। साथियों, आज की परिस्थिति ऐसी है और हमारे लिए खुशी की बात है, एक तरफ धनाढ्य परिवार चुनाव लड़ रहा है और एक तरफ भाई प्रदीप देशवाल जो एक किले का जमींदार है वो चुनाव लड़ रहा है, इसलिए हमारे चीज से भी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। मैं तो सारे के सारे कार्यकर्ता साथी यहां बैठे हैं, सबसे अनुरोध करूंगा, पार्टी ने जो जिम्मेदारी हमारे को दी है, इस जिम्मेदारी को हम तन मन धन से निभाए, क्योंकि प्रदीप देशवाल जी जो है छात्र राजनीति में, वो छात्रों के पास कोई पैसा वैसा ज्यादा होता नहीं, तो एक एक कार्यकर्ता से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कार्यकर्ता से अनुरोध करूंगा कि सारे कार्यकर्ता भाई प्रदीप देशवाल जी का जो है धन से भी और वोटों से भी जो है इसका दिल खोल करके मदद करने का काम करे। साथियों, और हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि झज्जर हल्के को एक टिकट दी गई है, झज्जर जिले को एक टिकट दी गई है। अगर रोहतक से ज्यादा किसी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है तो झज्जर जिले की बनती है। साथियों, और झज्जर जिले में अगर किसी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है तो भादुपुर हल्के की बनती है। आम आदमी के सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं और चेन्नई जनता पार्टी के सभी सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं। भाई प्रदीप देशवाल जी का गांव
सौभाग्य से बहादुर हल्के में है और दसोर खेड़ी गांव में, और पहले इनके टिकट लेकर के अपने गांव में गया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जसोर खेड़ी और लोहारेड़ी तीनों गांव ने इकट्ठा होकर के 36 बिरादरी ने फैसला लेने का काम किया कि हमारे गांव में एक भी वोट किसी प्रदीप देशवाल से किसी के ढोल में नहीं पड़ेगी। एक अच्छी सभा आप लोगों की हुई है। तो सारे के सारे कार्यकर्ता साथियों से अनुरोध करूंगा, अपने आप को प्रदीप देशवाल समझ करके, युवा सांसद भाई दुष्यंत चौटाला जी समझ करके और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी समझ करके हमने इस लड़ाई को लड़ना है। उन्होंने टिकट दे करके हमारे को भेजा है। इस प्रकार का इतिहास या तो चौधरी देवीलाल जी ने कायम किया था किसी गरीब आदमी को लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव लड़ने का, या माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने भाई प्रदीप देशवाल जी को टिकट दे करके ये अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर गरीब परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति भी, एक छोटे किसान के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति भी विधानसभा और लोकसभा में जा सकता है, इसके मिसाल प्रदीप देशवाल है साथियों। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रधान जी और सारी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे है, मैं भाई प्रदीप देशवाल जी के चुनाव खर्च के लिए अपनी तरफ से 1,52,000 रुपए देने का काम करता हूँ। और जो भी जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे है, जो भी जिम्मेदारी पार्टी हमें देगी उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैं प्रदीप जी को एक बात और कहना चाहूंगा, प्रदीप जी हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपने इस तो है इन धुरंधरों के सामने तो हड़ताल ठोकने का काम किया है। मेरे को आश्वासन और सारे के सारे जिले के सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं, सारे साथियों को बताना चाहूंगा, जो भी बहादुरगढ़ चुनाव का खर्च होगा, कार्यालय का जितना भी होगा, हम सारे के सारे आम आदमी के और जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता उसको जो हम मिलकर के उठाने का काम करेंगे। भाई प्रदीप देशवाल उसकी कोई भी आज नहीं।